दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी को अपने जीजा से प्यार हो जाता है। इसके पश्चात जो पत्नी होती है वो अपने जीजा या कह सकते हैं प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है पन्ना की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है पन्ना, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है रायपुरा, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बीरमपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है गंभीर उर्फ गुड्डू गौड। दोस्तों, जो गंभीर उर्फ गुड्डू गौड होते हैं उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी गौड होता है। दोस्तों, उनके साथ जो लक्ष्मी गौड होती हैं उनकी शादी होती है। दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो लक्ष्मी गौड होते हैं उनका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो कैसे होता है, जो लक्ष्मी गौड होती हैं उनकी जो बड़ी सिस्टर होती हैं, उनके जो पति होते हैं, जो लक्ष्मी के जीजा लगते हैं, उनकी पत्नी की जो लक्ष्मी की बहन होती हैं उनकी मौत हो जाती है। तो इसके पश्चात वो अपने प्रेम प्रसंग में जो अपनी साली होती हैं, साली को फांस लेते हैं, और इसके पश्चात वो उसके एक मोबाइल फ़ोन देते हैं और उससे चोरी चुपके फ़ोन पर बात किया करते थे। दोस्तों, इसी तरह से चलता रहता है, मगर जो गुड्डू होते हैं उनको पता नहीं चलता है। दोस्तों, इस घटना से कुछ दिन पहले जो गुड्डू होते हैं उनको जीजा साली के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है तो वो उसका फ़ोन भी पकड़ लेते हैं, जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी, उसका फ़ोन भी पकड़ लेते हैं, और इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। उनका जो प्रेम प्रसंग है वो फिर भी जारी रहता है। दोस्तों, आए दिन इसी बात को लेकर जो गुड्डू होते हैं वो अपनी पत्नी से लड़ाई क्या करते थे या झगड़ा क्या करते थे। दोस्तों, उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से इतने परेशान हो जाती है क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा था। दोस्तों, वो अपने जीजा से बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से मेरे जो पति हैं उसको रास्ते से हटाएं। दोस्तों, इसके पश्चात वो जीजा साली दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इसके पश्चात वो उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार जो लक्ष्मी के जीजा होते हैं वो गुड्डू एक दिन खेत पर होते हैं, वो खेत पर ही बाइक लेकर जाते हैं। जाने के पश्चात वो उनको मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको घर ही छोड़ दूंगा। दोस्तों, वो जो गुड्डू होते हैं वो उनकी मोटरसाइकिल पर या कह सकते हैं बाइक पर बैठ जाते हैं, और इसके पश्चात जो लक्ष्मी के जीजा होते हैं वो उसको एक शमशान जगह पर ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात वो जैसे ही बाइक से उतरते हैं, इसके पश्चात वो बातों बातों में ही धोखे से जो गुड्डू होते हैं उनके शरीर पर जो एक पत्थर होता है पत्थर से वार करते हैं। वार करने के पश्चात जो गुड्डू होते हैं वो घायल हो जाते हैं, और इसके पश्चात वो पत्थर से पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो अपने जो उनके कपड़े होते हैं उन कपड़ों को चेंज करते हैं और दूसरे कपड़े पहन वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात वहाँ से एक रोड पड़ती है, मोहिंद्रा रोड। उस रोड से कुछ लोग 19 मई 2024 को वहाँ से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी निगाह एक व्यक्ति के सब पर पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही सब पर जो निगाह पड़ती है तो वहाँ पर काफ़ी जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के पश्चात एक थाना पड़ता है रायपुरा, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ होता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सूचना मिलने के पश्चात वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको बरामद करते हैं, और बरामद करने के पश्चात वो अड़ोस पड़ोस में इसी बात को लेकर जानकारी लेते हैं कि वो किस व्यक्ति का शव होता है। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है कि उस गांव का रहने वाला ये व्यक्ति होता है तो उसके परिवार वालों को सूचना दे दी जाती है। दोस्तों, जो गुड्डू के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो गुड्डू के परिवार वाले होते हैं, जो उसके गाँव वाले होते हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जाती है। दोस्तों, पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी, उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को इसके बारे में गांव के लोगों से पता चलता है, जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसके जीजा होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उसे पूछताछ करते हैं। दोस्तों, वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ करती है। दोस्तों, वो पहले भी
वो भी पहले इधर उधर की बातें करती है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी जो कहानी होती है उसके बारे में बताती है। एसपी साई कृष्ण एस थोटा ने बताया कि पुलिस ने 24 मई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी और उसके जीजा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के पश्चात दोनों को जेल भेज दिया है दोस्तों। और इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग किए गए जो कपड़े होते हैं और जो पत्थर होता है और एक मोबाइल फ़ोन भी होता है, मोबाइल फ़ोन को भी बरामद कर लिया है दोस्तों। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं दोस्तों। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी दोस्तों। कहा जाता है कि जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं, मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी दोस्तों। इस पत्नी के लिए दोस्तों ऐसी पत्नी के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको इसके प्रति जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं दोस्तों। जैसे इस कहानी में आपने सुना कि एक पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी दोस्तों। उन्होंने ये काम तो कर दिया मगर आज उनका जो जीवन है वो खराब हो गया, आज वो जिंदगी जेल में काटेंगे दोस्तों। हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना रहता है दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है TV9 हिंदी न्यूज़, NDTV न्यूज़, आज तक न्यूज़, MP तक न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़ और पत्रिका न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आप जाएं और विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा हमारा वीडियो। धन्यवाद।